दोस्तों, आप सभी को आपका भाई प्रमोद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बोलबम बोलबम बोलबम, जितने भी मेरे YouTube परिवार के सदस्य हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए बोलबम बोलबम बोलबम। तो भाइयों, आज मैं जो है गोरियारी से सुबह 3 बजे में तक फ्रेश हो चुका हूँ। वैसे मैं सो के सभी आदमी 2 बजे तक जाग गया था। जागने के बाद बाथरूम से फ्रेश होकर दांत मन करके जो है स्नान पूजा करके कांवर पूजा करके लगभग 3 बजे में गोरियारी से चल दिया। और गोरियारी से चलने के बाद, गोरियारी से लगभग बाबा का नगरी 15 किलोमीटर दूरी पर है और हम लोग गोरियारी से चल चुके हैं। गोरियारी से हम लोग पहले पटनिया पहुँचे, पटनिया से कलकतिया पहुँचे, कलकतिया से दर्शनिया पहुँचे। रास्ते में 2-3 जगह जो है सो आराम भी किए, रेस्ट भी लिए। कहे तो सुबह के टाइम में मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि बाबा का दर्शन जो हम लोग है 11 बजे के बाद ही करेंगे। और वही सोच के हम लोगों ने समय रास्ते में ही बिताता गया। रास्ते में लगभग 11 बजे 11:30 बजे हम लोग देवघर पहुँचे हैं। और देवघर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो जहाँ हम लोगों का माने स्थान था रहने का, वहाँ पंडा जी से डेरा लिए। फिर डेरा में जाके कांवर रखे, कांवर रख के फिर उसमें से जल खोले। जल खोलने के बाद जल को फिर वहाँ संकल्पित करवाए। संकल्प करवाने के बाद फिर हम लोग शिवगंगा में आए, शिवगंगा में स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से जो बाबा के मंदिर में जाने के लिए जो सीढ़ी बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, वो बाबा धाम में धोबिया घाट से उसका रास्ता है। फिर हम लोग धोबी घाट पर गए, वहाँ पर सीढ़ी पर चढ़े। और सीढ़ी पर चढ़ने के बाद फिर हम लोग लाइन में लगे। दोस्तों, उस रास्ते का वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ मंदिर में जाने का, इसलिए कि रास्ते में बाबा के नगरी में जाने के लिए, बाबा के द्वार पर जाने के लिए लोगों को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। कहे तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और वहाँ कैमरा या मोबाइल ले जाना वर्जित है। फिर भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं, लेकिन हम लोग कांवर से थे, जल चढ़ाना था और उसमें मोबाइल रखते तो कहाँ रखते, इसलिए हम लोग मोबाइल लेके नहीं गए हैं। और सीधा हम लोग सीढ़ी पर होते हुए जो है बाबा के मंदिर की ओर चल पड़े। वहाँ दोस्तों 2 हॉल है, जिसमें कि एक हॉल में ऊपर में जो है सो घुमाया जाता है। घुमाते घुमाते लगभग घूमने में लगभग 1.5 से 1.25 घंटा लगता है। फिर उसके बाद सीढ़ी होकर नीचे आया जाता है, फिर नीचे में लगभग 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद जो है सो लोग बाबा मंदिर के लिए रास्ता पकड़ते हैं, जो सब बना हुआ है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा बन चुका है। जो आपको सिस्टम में जाना है, तो सिस्टम में होते हुए हम लोग बाबा को जल अर्पण किए। बाबा को जल अर्पण करने के बाद जो सबका मनोकामना है वो बाबा से मांगे। फिर बाबा को जल चढ़ाने के बाद जब बाहर निकले तो फिर मैया पार्वती को जल अर्पण किए। फिर मैया पार्वती को जल अर्पण करने के बाद हम लोगों ने फिर बाहर निकला मंदिर से। फिर शिवगंगा में स्नान करते हुए अपने डेरा पर गया। और उस दिन 11 लगभग 12-1 बजे तक हम लोग फ्री हो चुके थे। उसके बाद उस दिन हम लोग फुल्ली रेस्ट लिए। रेस्ट लेने के बाद अब सब हम लोगों को विचार हुआ कि अगला दिन यानी दूसरे दिन फिर हम लोग बासुकीनाथ के लिए विदा होंगे। तो हम लोग बासुकीनाथ अब कल जाएंगे और इसका वीडियो आपको कल सुनाऊंगा, कल दिखाऊंगा जो आप बीती क्या होता है। तो इसमें बहुत भांति भांति के बम चलते हैं। कोई एग्जाम करते हुए जाते हैं तो कोई ऐसा रहता है कि कोई खराब बम होके ही निकलते हैं। अब खराब बम जो है सो वो उनका कांवर कभी नीचे नहीं रहता है, ऐसा भी नियम है। तो जो खराब बम होके जाते हैं तो रास्ते में आदमी मिल जाता है, जो भर रात उसको कांवर को रखता है, पैसा लेता है, लेकिन भर रात कंधे पर कांवर लेके खड़ा रहता है। कुछ होता है फलहारी बम, जो फलहार करके ही मान लीजिए कि बाबा तक जल अर्पण करते हैं। बम में अनेकों प्रकार के बम होते हैं। जिस प्रकार लोगों को अपना कामना रहता है, जो मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो मैं इस ढंग से आपको जल अर्पण करूँगा। तो अभी तक दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखा गया है कि अभी के दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा कष्ट डंडी बम को ही है। डंडी बम दंड प्रणामी करते हुए बाबा सुल्तानगंज से लेके और बाबा धाम तक पहुँचते हैं।
डाक बम को तो है कि आप पैदल चल के 24 घंटा में उनको जल चढ़ाना है, लेकिन डंडी बम को जो है सो दंड प्रणामी करते करते जो है तो वहाँ तक पहुँचना है। और बहुत अब तो बहुत सारे डंडी चलते हैं और डंडी करते करते बासुकीनाथ तक भी जाते हैं। तो दोस्तों, लोगों को एक अपना मनोकामना होता है, जिस मनोकामना के कारण वो जिस प्रकार से अपना प्रण लिए हुए रहते हैं उस प्रण के मुताबिक चलते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको अच्छा लगे वीडियो बाबा धाम का, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाबा की नगरी पहुंचने से पहले बाबा के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बोलबम बोलबम बोलबम। आगे का भाइयों, मैं वीडियो फिर बासुकीनाथ हम लोग कैसे गए ये आप लोगों को बताऊँगा। फिर बासुकीनाथ से भी आगे तारापीठ तक गया था मैं, तारापीठ का भी कहानी आपको बताऊँगा। तो बोलबम बोलबम सभी भाइयों को, बोलबम 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 बोलबम। Yeah.